तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नेम है अ कंडीशन कॉल्ड लव, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कमाल का रोम कॉम एनिमे होने वाला है। तो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को बेंच में बैठा हुआ देखती है, वो भी स्नोफॉल के दौरान। इस वजह से वो उसको जाके कवर देती है अम्ब्रेला से। एंड यहाँ पे वो जो लड़का है वो उस लड़की को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ से सीन कट होता है एंड हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की एक लड़के से पूछती है कि आखिर लव का तुम्हारे लिए मतलब क्या है। तो फिर वो लड़का बताता है कि लव एक ऐसी चीज है जो कि तुम अपने सोलमेट को देते हो, और शायद इसी वजह से मैंने तुमको ये ज्यादा शो नहीं किया, शायद ये हमारे लिए कभी था ही नहीं। पर तभी वो लड़की एकदम से उस पर पानी फेंक देती है। एंड यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो भी उस कैफे में होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो लोग देखते हैं कि कैसे वहाँ पे काफी कमाल का ब्रेकअप का शो चल रहा है। एंड यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है होतारू हिनासे, जो होतारू की फ्रेंड है, वो बताने लग जाती है वो लड़का और कोई नहीं साकी हनानाओ है, एंड करेंटली उनके स्कूल का सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़का, जिसकी हाइट एंड लुक्स एकदम 99% परफेक्ट है। पर लेकिन जो होतारू है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको अपने क्लास के लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता, वो दूसरे क्लास के लड़कों के बारे में जान के क्या ही कर लेगी। दूसरी तरफ वो जो लड़की है वो साकी को काफी कुछ बोल के वहां से निकल जाती है, और यहाँ पे जो साकी है वो भी वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ होतारू बोलने लग जाती है कि आखिर अगर तुम किसी को पसंद करते थे तब तुम इतनी मीन बातें उससे कैसे कह सकते हो, जिसमें कि उसकी फ्रेंड बताती है लव काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पर लेकिन अगर वो हेट में तब्दील हो जाए तब वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, पर लेकिन तुम्हें इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि कभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया है। तभी होतारू बोलने लग जाती है कि तुम किसी से प्यार तब करते हो जब वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से भी ज्यादा। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये मेरे टाइप की चीज है, जिसपे कि उसकी फ्रेंड बोलने लग जाती है कि ये तो हमेशा की तरह एक्सक्यूज दे रही है। पर तभी होतारू की जो फ्रेंड है वो एकदम अनाउंसमेंट करती है कि उसके पास भी एक फाइनली बॉयफ्रेंड है। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद जो होतारू है उसको बस कांग्रेचुलेशन कहती है, एंड ये देख के उसकी जो फ्रेंड है वो काफी शॉक होती है एंड उसको बोलती है कि एटलीस्ट तुम थोड़ा सा प्रेसिस्टेंट होते हुए ये बोलना चाहिए कि प्लीज मेरे को अकेला छोड़ के मत जाओ। एंड ये सुनने के बाद जो होतारू है वो बोलती कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही। उसके बाद दोनों के दोनों अपने घर के रास्ते निकल जाते हैं, जहाँ पे होतारू बताने लग जाती है कि वो 16 साल की है एंड फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में है। वो बताने लग जाती है कि उसकी लाइफ में कोई भी रोमांस नहीं है, पर लेकिन उसके पास एक अच्छी फैमिली और अच्छे दोस्त हैं एंड यही उसके लिए काफी है। वो अपने जो दिन है वो पीसफुली बिता रही है छोटी छोटी चीजों में खुश रह के। पर तभी उसकी नजर साकी पे जाती है जो कि पार्क में बैठा था, वो भी बिना अम्ब्रेला के। वो सोचती है कि शायद ब्रेकअप की वजह से उसको काफी सदमा लग गया है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर इतना सब कुछ होना ही है तो फिर लोग प्यार ही क्यों करते हैं, आखिर इस वक्त में फीलिंग कैसे होती है। उसके बाद वो जाके साकी को अम्ब्रेला से कवर कर देती है और उसको बताती है कि उसको ठंड लग जाएगी। जो साकी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। होतारू मोनोव्लॉग में बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस अम्ब्रेला को पकड़ने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकी उसके क्लास में आके सभी के सामने उससे लव कन्फेशन कर देता है, जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि होतारू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होतारू जब स्कूल जा रही थी वहाँ पे उसको रास्ते में साकी मिल जाता है जो कि उसका वेट कर रहा था। साकी उसको बताता है कि मैं बस चांस देना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को और भी जाने। जब वो लोग एक साथ स्कूल जा रहे थे सभी लोग उन्हीं के बारे में बात करे जा रहे थे, पर लेकिन जो साकी है वो होतारू से पूछता है कि आखिर उसको किस टाइप का हेयर स्टाइल और बाकी चीजें पसंद है। जहाँ पे होतारू बताती है कि उसको छोटे बाल रखना ज्यादा पसंद है क्योंकि उनको मैनेज करना ज्यादा आसान है। तभी होतारू उससे पूछते है कि आखिर तुमने मेरे को क्यों चूज किया। जहाँ पे साकी बताता है कि जब तुम मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर आई थी तब मेरे माइंड में बस यही आया कि तुम ही मेरी सोलमेट हो। होतारू बोलती है कि यही बात तुमने मेरे से कल भी कही थी। तभी साकी बोलने लग जाता है कि मेरे से काफी लोग बात करते हैं, पर लेकिन जैसे ही वो लोग मेरे को थोड़ा सा जानने लग जाते हैं वो लोग मेरे को स्ट्रेंज और क्रीपी समझते हैं और मेरे से दूर हो जाते हैं। पर लेकिन यही दूसरी तरफ तुम जो कि मेरे से बात करते हो जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है ये, शायद इसी वजह से। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे साकी उसको क्लास में छोड़ के ना से निकल जाता है। पर लेकिन जो होतारू है उसकी फ्रेंड उससे एकदम पूछने लग जाती है कि आखिर तुम उसके साथ स्कूल में क्यों आई हो और क्या तुम मेरे को ऐसे अकेले छोड़ के चली जाओगी। और ये देख के जो होतारू है वो भी एकदम हैरान हो जाती है। उसने साकी को पोलाइटली मना कर दिया था, पर लेकिन फिर भी साकी ने उसको कहा था कि उन दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए। जो सुनकर उसकी फ्रेंड पूछती है फिर पहले दिन का जो इम्प्रेशन है वो कैसा था, जिसमें होतारू बताती है कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होतारू बोर्ड में एक पोस्टर को देख रही थी जिसमें कि विंटर एक्सक्लूसिव वंस के बारे में बताया गया था, पर लेकिन तभी वहाँ पे साकी आ जाता है एंड उसके हाथ से जो बॉक्स है वो ले लेता है। एंड यहाँ पे जो होतारू है वो काफी हैरान होती है एंड उसको शुक्रिया बोलती है उसके हेल्प के लिए, पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जो साकी है उसने अपने जो बाल है उनको कटवा लिए थे। जो सुनकर साकी उसको बताता है कि मैंने सोचा कि मैं पहले अपने अपीयरेंस पे वर्क करूंगा। जहाँ पे होतारू उसको बताती है कि वो अपने बालों की बात कर रही थी ना कि उसके बालों के। फिर होतारू साकी से माफी मांगती है एंड उसके बाद ये भी बताती है कि कैसे अगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हो तो फिर मुझे माफ करना, मेरे को ये सब जो फीलिंग है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती, मैं एकदम किसी साइबॉर्ग की तरह हूँ। एंड ये सुनने के बाद जो साकी है वो उसको बताता है कि तुम क्रिसमस तक मेरे साथ डेट कर सकती हो और इन सब चीजों को एक्सपीरियंस भी कर सकती हो, जिसमें कि होतारू उसको मना कर देती है क्योंकि वो आखिर में बस उसको हर्ट कर देगी। तभी साकी बताता है कि ऐसा हो
ही नहीं सकता कि कोई पर्सन लव नहीं कर सकता। एंड ये सुनने के बाद जो होतारू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होतारू की जो फ्रेंड है, एक फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाने वाली थी एंड दूसरे को काम आ गया था, इस वजह से वो लोग आज एक साथ लंच नहीं खाने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे साकी आ जाता है एंड उसके साथ लंच खाने की बात करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ लंच करने वाले थे, जहाँ पे होतारू बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। पर लेकिन जो यहाँ पे साकी है वो उसके लिए बंस लेकर आया था, वही बंस जो कि एक्सक्लूसिव है विंटर के लिए। एंड यहाँ पे होतारू को वो काफी ज्यादा पसंद थे, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जो साकी है वो उसके लिए बस लेकर आया है ये। फिर वो लोग उसको शेयर करते हुए खाने लगते हैं, जहाँ पे होतारू नोटिस करती है कि जो साकी है उसने अपने इयररिंग्स नहीं पहने। साकी बताता है, मुझे लगा कि तुम ये सब फैंसी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, इस वजह से मैंने उसको खोल दिया। एंड यहाँ पे जो होतारू है वो उसको बताती है कि मुझे ये तुमको पहले बता देना चाहिए था, पर लेकिन प्लीज तुम अपने आप को चेंज मत करो मेरी वजह से, तुम्हें जो चीज पसंद है तुम्हें वो करते रहना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद जो साकी है वो बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं इसको वापस से पहन लेता हूँ। एंड तभी वो अपने चेक करता है तो फिर उसको पता चलता है कि उसकी जो एक इयररिंग है वो गिर चुका है। जो सुनने के बाद होतारू उसको सजेस्ट करती है कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ उसको ढूंढने के लिए, पर लेकिन साकी उसको मना कर देता है। फिर हमें गर्ल्स चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होतारू की जो फ्रेंड्स है वो उसको बता रही थी कि कैसे जो साकी है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको इम्प्रेस करने के लिए। पर तभी एक लड़की उनसे हेयर पिंस बोरो करने के लिए आती है, जहाँ पे होतारू उसकी मदद कर देती है अपने देखे। फिर हमें उनके पीई क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होतारू साकी के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, यहाँ तक कि उसको ये भी डर है कि वो अपने बारे में ज्यादा कुछ सोच ही तो नहीं रहा। फिर हमें स्कूल की छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकी होतारू को बुलाने के लिए आता है एक साथ घर जाने के लिए। होतारू उसको बताती है कि उसका जो हेयर पिन है वो लॉस्ट हो चुका है, इस वजह से उसको ढूंढना पड़ेगा। एंड यहाँ पे वो जो लड़की है वो भी उससे माफी मांग रही होती है एंड वो भी उसकी मदद करने के लिए जाती है। पर लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई थी, जिस वजह से पूरा जो ग्राउंड है वो कवर हो चुका था, जिस वजह से उनका हेयर पिन ढूंढने का जो प्लान है वो कैंसिल हो जाता है। एंड वो जो लड़की है वो होतारू से काफी ज्यादा माफी मांग रही होती है। उसके बाद होतारू साकी से बताती है कि वो लोग एक साथ घर जा सकते हैं। एंड फिर हमें होतारू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रेस्ट कर रही होती है एंड वो सोचती है कि कल सुबह होते ही वो एकदम से जाके उसको ढूंढना स्टार्ट करेगी। पर लेकिन तभी उसके पास साकी का कॉल आता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या तुमने जो हेयर पिन खोया था उसमें एक रिबन है, जिसमें कि होतारू मना कर देती है एंड बताती है कि उसके हेयर पिन में एक स्टार बना है। पर लेकिन तभी वो साकी से पूछती है कि आखिर वो कहाँ पे है, कहीं वो स्कूल में तो नहीं। एंड ये सुनने के बाद जो साकी है वो उसको मना कर देता है एंड फोन कट कर देता है। एंड ये सुनने के बाद जो होतारू है वो सीधा स्कूल के लिए निकल जाती है, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी काफी ज्यादा हैरान होती है। होतारू सोचने लग जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वहां पे होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेवकूफी वाली बात होगी। पर लेकिन जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचती है वो देखती है कि जो साकी है वो अभी भी ढूंढ रहा है हेयर क्लिप को। जो यहाँ पे साकी है वो जैसे ही होतारू को देखता है वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसको अब तक हेयर क्लिप नहीं मिला था। पर लेकिन जो होतारू है वो भी उससे माफी मांगने लग जाती है एंड उसको बताती है कि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो मेरे लिए। जिस पे साकी बताता है क्योंकि मैं तुमको स्माइल करवाना चाहता था। एंड ये सुनने के बाद जो होतारू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसको समझ आता है कि अब तक जो साकी है वो क्यों कर रहा था ये सब कुछ। साकी तभी उसको बोलता है कि तुम वापस से घर चले जाओ क्योंकि मैं अभी और भी इसको ढूंढने वाला हूँ। पर लेकिन जो होतारू है वो एकदम से उसको हक कर लेती है पीछे से एंड उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करती है। जो साकी था वो तो इसी बात से खुश हो गया था कि उसको एक हक मिल गया। पर लेकिन तभी जो होतारू है वो एकदम उस पर चिल्लाने लग जाती है एंड उसको काफी ज्यादा डांट देती है। वो होतारू के हाथों को देखती है जो कि काफी ज्यादा ठंडे हो गए थे एंड उसको बताती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तब वो मारा जाएगा। जहाँ पे साकी बताता है कि अगर मैं तुमको स्माइल करते हुए देख के मर भी गया तब मैं काफी ज्यादा खुश रहूंगा। जो सुन के होतारू बोलती है कि इसका मतलब एक ही बंदा खुश रहेगा यहाँ पे, और अगर ऐसी बात है तब मैं किसी से कभी प्यार नहीं करना चाहती। जो सुन के साकी भी काफी हैरान हो जाता है एंड उसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे होतारू साकी को हीटर के सामने बैठा के उसके सर पोछने लग जाती है। एंड उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होतारू के जो फ्रेंड्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो साकी है वो होतारू के लिए नहीं आया। जो सुन के होतारू उनको बताते हैं कि जैसे उनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। एंड ये सुन के उसकी फ्रेंड्स काफी हैरान होती है क्योंकि उन्होंने कभी भी होतारू को गुस्से में नहीं देखा। पर लेकिन तभी वहाँ पे साकी भी आने लग जाता है, पर लेकिन वो होतारू से बिना बात करे वहाँ से चले जाता है। फिर हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होतारू जैसे स्कूल के बाहर जाने वाली थी वो देखती कि जो साकी है वो वहीं पे वेट कर रहा था उसका। जहाँ पे साकी उसको बताने लग जाता है, मुझे माफ कर देना, मैं आज के बाद से तुम्हें और परेशान नहीं करने वाला, पर लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें यह देना चाहता हूँ। जहाँ पे वो उसी का हेयर क्लिप लेकर आया था, वो बताता है कि स्नो मेल्ट होने के बाद वो वहाँ पे ढूंढने के लिए गया था। होतारू बताती है कि ये जो हेयर पिन है ये उसकी फैमिली की तरफ से उसको गिफ्ट है, इस वजह से ये उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साकी बताता है कि तुम काफी उदास हो जाती इस वजह से मैंने इसको ढूंढा। जो सुन के होतारू भी सोचने लग जाती है कि तुम जिसको पसंद करते हो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, क्या इसी को लव बोलते हैं। एंड तभी वो एकदम से साकी को बोलती है कि मेरे पास भी कुछ है जो कि मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और फिर वो साकी को उसका इयररिंग भी लौटा देती है जो कि उसको वेंडिंग मशीन के पास मिला। ये देख के साकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे साकी उस इयररिंग को पहन लेता है होतारू उसकी तारीफ करती है एंड बताती है कि तुम्हें अपनी जो चीजें हैं उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंड उसके बाद वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि कैसे, जब वो साकी के साथ होती है तब वो कई सारी नई फीलिंग्स को भी जानने लगती है, वो और भी टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहती है और इन चीजों को समझना चाहती है। इस वजह से वो साकी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा कोई इंसान इस चीजों को समझ सकता है।
सकता है, इन चीज़ों को लर्न कर सकता है। एंड ये सुनने के बाद जो साकी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। होतारो के मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो क्या करने वाली है और उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। पर जो साकी है वो होतारो को बताता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम किसी ना किसी दिन समझ ही जाओगी सब कुछ। जो सुनने के बाद जो होतारो है वो एकदम उसको रोकती है एंड उससे पूछती है क्या तुम सीरियस थे वो ट्राई करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद जो साकी है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मतलब डेट करने से है। जो सुन के होतारो बताती है कि हाँ मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करने वाली हूँ बट लेकिन मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ, मैं अभी जानना चाहती हूँ कि आखिर किसी से प्यार करने से कैसा लगता है। एंड ये सुनने के बाद जो साकी है वो एकदम से उसको हक कर लेता है। होतारो काफी ज्यादा नर्वस होने लगती है क्योंकि सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं बट लेकिन जो साकी है वो तो काफी ज्यादा खुश होता है। एंड दूसरी तरफ होतारो अपने मोनोब्लॉग में बताती है कि और इसी तरीके से मेरे को अपना पहला बॉयफ्रेंड मिल गया। एंड इसी तरीके से जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो फिर 2K लाइक्स भी कंप्लीट करवा देना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाना रहा।